सब लोगों से, जितने मीडिया के लोग हैं उनसे माफ़ी मांगता हूं कि मैं दिन भर आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन जैसी परिस्थिति है उसमें कुछ ज़्यादा कहने को मुझे नहीं था, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाया. सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. यू हैव टू वेट योर होल डे. नाउ द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट आउट. दी हेक्टिक का एक्टिविटीज जो हम पिछले 4-5 महीने से थे, आप हमारे साथ थे, वो ख़त्म हो गया. मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से आई वॉन्ट टू थैंक, मैं अपने उत्तराखंड के मतदाताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में लाकर रख दिया है. हमारे अपने जो हमारे प्रत्याशी थे उन लोगों का उन्होंने अपना समर्थन दिया है, और उत्तराखंड के हित में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक आश्वासन आपको दिया है, आपको कई चीज़ों के बारे में अपनी पार्टी की तरफ से मैंने कुछ बातें कही हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको बराबर ध्यान में रख करके और आगे काम करेगी. जैसे अभी प्रतीत होता है हमारी सरकार बन रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और आशा है कि हम लोग सरकार ठीक से बना पाएंगे. लेकिन साथियों, सरकार बनाना उद्देश्य नहीं है. आपने मेरे कार्यशैली को अभी भी देखा, पहले भी देखा था, सरकार एक माध्यम है. गवर्नमेंट इज ओनली मीडियम टू ऑफ सर्विंग पीपल. इट इज़ नॉट फॉर एंजॉइंग लाइफ, हैविंग अ गुड टाइम, इंडल्जिंग टू करप्शन. और इसलिए मैं आशा है जो कुछ मुझसे अपनी पार्टी के अंदर काम करने का मौका मिलेगा, मैं बराबर ये कोशिश करूँगा कि जिन बातों को हमने आपके सामने रखा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार उन बातों को आगे बढ़ाए. जिन बातों के आधार पर जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है और बहुमत के निकट पहुंचाकर सबसे बड़ी पार्टी का काम किया है, उन आश्वासनों को जहां तक मेरी शक्ति होगी पार्टी के अंदर रहकर मैं कोशिश करूंगा कि उनसे हम डिवेट न करें, उनसे उधर उधर दाएं बाएं न भटकें. ये मेरी कोशिश रहेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं. और ये भी सही है कि मैं अपना चुनाव नहीं जीत सका, लेकिन साथियों मैं तो मुझे यहाँ भेजा गया था जब 11 सितंबर को पार्टी की तरफ से, तो पूरा प्रदेश ही मेरा निर्वाचन क्षेत्र था, और इसलिए सभी जगह मैंने पूरे प्रदेश के जो 70 सीटें थे उनमें कोशिश की कि अपने निर्वाचन के क्षेत्र जैसे काम करूं, और शायद इसलिए मैं कोटद्वार में ज़्यादा समय नहीं दे पाया. जो कुछ भी है मैं अपने पूरे सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ. मेरा सौभाग्य है मैं पार्टी को अपना तरफ से जितना आभार व्यक्त कर सकूँ कम है. इतने थोड़े समय के लिए ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी, मुझ पर विश्वास किया, और मैं मुझे अच्छा लगता है, घमंड से नहीं, नो डाउट ऑफ एनी एरोगेंस, बट मुझे अच्छा लगता है कि मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी गई थी, पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया, उस विश्वास पर मैं खरा उतर सका, पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए कुछ कर सका, इसके लिए मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ. आपके सवाल का जवाब दूंगा, भागता नहीं हूँ, मुझे मेरे पास बहुत टाइम है, अभी इधर ही हूँ मैं, कहीं जा नहीं रहा हूँ. इसलिए मुझे कहने दीजिए कि मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मतदाताओं को, अपनी पार्टी को, जिसने एक प्रकार से असंभव जैसी मुझे कार्य सौंपा था, जिम्मेवारी सौंपी थी, और भगवान की कृपा से, मतदाताओं की कृपा से, आप सब लोगों की आशीर्वाद से, सहयोग से मैं उस काम में कुछ सफल हुआ हूँ. इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. मेरे में ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई ताकत नहीं कि ऑन माय ओन आई वुड हैव डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स. मेरी कोशिश होती है, लेकिन सब लोगों का सहयोग हुआ. मेरे कार्यकर्ताओं ने इतना मदद किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने सब सहयोग किया, और जैसे मेरी कार्यशैली उसमें कभी कभी कठिनाई भी होती है लोगों को, लेकिन लोगों ने, मेरी पार्टी ने, मेरे अधिकारियों ने, मतदाताओं ने जिस प्रकार का समर्थन और मुझे अपना आशीर्वाद पार्टी को, मेरे माध्यम से पार्टी को दिया है इन थोड़े समय में. साथियों मेरे पास 3 महीने और 14 दिन थे 11 सितंबर से, और जिन दिन तक आचार संहिता लगने से, और जिस दिन चुनाव हुआ 30 जनवरी को, 1 महीना और 4 दिन थे, कुल मिलाकर 4 महीने और 19 दिन. मेरे पास कोई ऐसी जादू का डंडा नहीं था कि काम होता, बहुत सारे काम हुए, और एक संदेश लोग प्रदेश में किया है. और इसलिए मैं आपके माध्यम से, मेरे पे कृपा कीजिए, मुझे कहने दीजिए कि आपके माध्यम से, और मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है लोगों का आभार व्यक्त करने का, अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करने का, अपने अधिकारियों का आभार व्यक्त करने का, उन सब के माध्यम से जो काम हुआ है उसके लिए कई दफ़े मुझको बहुत तेजी में, शक्ति में काम करना पड़ा. आई ड्रोव लॉट ऑफ पीपल इनटू एक्शन,
बट दैट वॉज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, और इसलिए उसके लिए मैं बार बार आप सबका उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ. The NDTV news app had redefined the entire genre. Now, another market beater. It's already hit number one. NDTV Profit, India's number one finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy-to-manage portfolio. Download now, ndtvprofit.com/apps.